हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और प्रोवाइड कराए जाते हैं मास्टर वीडियो और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ जाइए। वहां पर आपको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि आपको करंट अफेयर और साथ में हमारे नोट्स, और यहां पर आपको पीडीएफ फाइल जो प्रोवाइड कराई जाती हैं, बहुत ही अच्छी हमारी पीडीएफ फाइल हैं और काफ़ी अच्छे से नोट्स आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आपके वीडियो की लिंक है जहाँ पर आपको सभी प्रकार के वीडियो प्राप्त हो पाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक है सामान्य अध्ययन से, जो कि हमारे टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो ये हमारा फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर सोडियम बेंजोएट जो है वो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन व्हील पत्र किससे जुड़ा हुआ है। तो कॉमन व्हील हमारा जुड़ा हुआ है, बी नंबर सही होगा, एनी बेसन से। ठीक है, एनी बेसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो संविधान में संशोधन हमारे संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल हमारा 368 होता है। ठीक है, 368 के तहत हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों में कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बंदरगाहों से क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के बंदरगाहों में कौन ओडिशा तट पर बना हुआ है। तो पारादीप बंदरगाह बना हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे बंदरगाह कितने होते हैं, कौन से हमारे घाट पे होते हैं। ये हमारा है पश्चिमी घाट, ये इधर है पूर्वी घाट। यहाँ पर है, पड़ता है गुजरात में, पड़ता है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह, नया नाम रख दिया गया है। यहीं पर मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसका सहायक बंदरगाह है नहावा सेवा। गोवा राज्य में हमारा है मार्मगोवा, और हमारे कर्नाटक में पड़ता है न्यू मंगलोर, और कोचीन में हमारा जो केरल है वहाँ पड़ता है कोचीन। यहाँ पर जो हमारा पड़ता है कोरोमंडल, तो यहाँ पर हमारे तीन हमारे बंदरगाह हैं, एक है एन्नौर, एक हमारा है कोची, और यहाँ पर है तूतीकोरिन। यहाँ पर हमारा पड़ता है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर हमारा सबसे गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में पड़ता है हमारा पारादीप, और कोलकाता में हमारा पड़ता है जो कि हल्दिया वाला। ठीक है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार, जो कि हमारे 13 सबसे बड़े हमारे बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है। तो बहुतायत से मिलता है, ये हमारा डी नंबर होगा, मोनोजाइट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। तो प्रथम महिला शासक कौन थी, यहाँ पर ए नंबर सही होगा, रजिया सुल्तान। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, रजिया सुल्तान किससे संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा दास वंश या गुलाम वंश। तो दास वंश या गुलाम वंश चलने लगता है दिल्ली सल्तनत काल में, जो कि हमारा कार्यकाल होता है 1206 से 1290 तक कार्यकाल चलता है हमारे इस दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का। उसमें से हमारा संस्थापक जो होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक होता है इल्तुतमिश, और उसकी ही बेटी है रजिया सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगला, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल को आकार को सीमित करता है। तो फ्रेंड्स, ये कौन आकार को सीमित करता है, यहाँ पर बी नंबर होगा, 91 संविधान संशोधन ही हमारे भारतीय संविधान के जो आकार है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को उसको सीमित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो ये हमारा फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारा इसका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, एक माह के अंदर आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संसद की प्रभुसत्ता प्रतिबंधित है, तो ये हमारे किस पर प्रतिबंधित है। तो फ्रेंड्स हमारा बी नंबर होगा, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थित है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थित है हमारा नरोरा में, जो कि हमारे भारत का एकमात्र नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये हमारे करवाया था आपको ए नंबर होगा, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने ये करवाया था हमारे कैलाश मंदिर का निर्माण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा चाय में एक चीज नहीं होती है, मॉर्फिन होती है, जो कि हमारे पोखते में पाई जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें हमारी उसी से रिलेटेड, हमारे चाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका डी नंबर, अर्थात विटामिन के जो होता है बंधापन नहीं होता है, इसके कारण होता है हमारा जो सुमेलित नहीं है हमारा होता है कि के कारण हमारा रक्त का थक्का अगर कमी है तो नहीं जमेगा, है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, तो यह हमारी कहां पर की गई थी फ्रेंड्स? ये की गई थी हमारी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है हमारे उनके ग्रह त्याग की घर जो घटना है। ठीक है, ये ग्रह त्याग की घटना है महाविनिष्क्रमण। और अगर बात करें महापरिनिर्वाण, तो उनके लिए मृत्यु से संबंधित है। और यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन होता है, जो कि उनके ज्ञान प्राप्ति के दौरान उपदेश दिया गया था बोध गया में, सारनाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो वेधशाला यहाँ कहाँ पर नहीं बनवाई थी? तो ये हमारे इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। ये भी क्वेश्चन हमारा पुलिस में पूछा भी जा चुका है कि कहाँ पर वेधशाला थी, तो उज्जैन में थी। अब उज्जैन से बात करते हैं, तो फ्रेंड्स, उज्जैन वो जगह है जहाँ से हमारे भारत में जो मानक समय है 82:30, ठीक है, 82:30 जो जाती है और इधर से कर्क रेखा जाती है, तो दोनों जो मिलती हैं वो उज्जैन में ही मिलती हैं। ठीक है, उज्जैन में ही मिलती हैं, वही जगह हमारी है जहाँ पर पूछा गया था सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशाला कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक है, उधर वैसे हमारी उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है, वाराणसी में, लेकिन इलाहाबाद में नहीं है फ्रेंड। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है कि कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, भारत है। ठीक है, दलहनी उत्पादक हमारा कौन है? यहाँ पर भारत है और उपभोक्ता भी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर लिप लेख अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा नहीं है। देखो, सिपकीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सिपकीला दर्रा देखो अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला है हमारा सिक्किम में, जोजिला है जम्मू कश्मीर में, लिप लेख दर्रा कहाँ पड़ता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ट्रिक से बताते हैं इसको। तो देखो, जम्मू कश्मीर में है बाबा जी का पीर। ठीक है, बाबा जी के पीर, तो बाबा जी मतलब बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काशी काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये हमारे जम्मू कश्मीर पड़ते हैं। जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, तो रोहित बड़ा सिपकीला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं तो हमारे लिंक में चले जाइए, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आपको सभी ट्रिक बता दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर बायोगैस यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत व्यापारिक तौर पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 संपन्न हुए थे, तो ये हमारे कहाँ पर संपन्न हुए थे फ्रेंड? तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये संपन्न हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया है हमारा इसमें प्रथम स्थान पर रहा था, जबकि भारत ने यहाँ पर हमारे तृतीय स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा जुलाई 18 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी कहां पर बहती है फ्रेंड्स? ये बहती है उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। आपको इसका मैप बताते हैं, देखिए हमारी एक नदी आई है यमुना नदी, ठीक है, और इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के हमारे मऊ से निकलती है और इसके बाद राजस्थान से होते हुए ये यूपी में इटावा के पास जाके मिलती है, इटावा में। ठीक है, अब यहीं पर हमारे तीन बांध बनाए गए हैं, जो कि गांधी सागर बांध है वो हमारा एमपी में है, और दो बांध हमारे हैं, एक बांध है राजस्थान में जिसे बोलते हैं राणा प्रताप, और एक हमारा यहीं पर एक बांध और है इंदिरा सागर बांध। ठीक है,
तो जवाहर बांध, ठीक है। तो ये हमारे तीन, इसमें हमारे बांध भी बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स तीन राज्य हो गए, एक यूपी हो गया, एक मध्य प्रदेश और एक हमारा कौन हो गया यहाँ पर राजस्थान, एक हमारा हो गया मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स इस चैनल पर वो पढ़ाया जाता है जो ज़रूरी होता है, और इस चैनल पर कोई यूट्यूबर नहीं है, हम डायरेक्ट एक टीचर हैं जो कि हम काका देव कानपुर में पढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल पर कंटेंट मिलता है तो बहुत ही परफेक्ट मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर चीज़ पर, हर क्वेश्चन पर, वो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर यहाँ पर फोकस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये किसके कारण हुआ। तो हम देखते हैं हमारा इसका नंबर सही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये बहुत ही चर्चित में है क्योंकि इनकी जो एक मूर्ति बनाई गई है 182 मीटर ऊंची, जो कि हमारी नर्मदा जो नदी है उसी के तट पर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के हमारे 23वें तीर्थकर कौन थे, तो यहाँ पर आए पार्श्वनाथ, ठीक है पार्श्वनाथ। यहाँ पर महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थकर हैं और इन्हीं को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव हमारे पहले हमारे तीर्थकर थे, अर्थात जैनों में हमारे पहले थे ऋषभदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो ये हमारा फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा इसका सी, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 को, और 1978 को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसको 300 के ए में इसको रख दिया गया है। तो इस प्रकार से अब ये कानूनी, अब मतलब क्या है कि अब ये कानूनी अधिकार रह गया है। आप संपत्ति जो अर्जित होती है, अगर आपके घर पर किसी प्रकार की संपत्ति निकलती है भूमि से या मतलब जमीन से, तो आप उस पर अधिकार नहीं हो, सरकार पर अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड, तो देखिए हमारी पृथ्वी की परतें होती हैं पांच, पहली होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और होते हैं बहिर्मंडल। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो इस पर हमारी जो प्रभावी होती है CO2 गैस, क्योंकि CO2 गैस हमारी भारी होती है और वही यहाँ पर होती है। आपको पता होगा कि ये जो CO2 है भारी होती है, इसके पहले हमारी एक होती है रेडान गैस, लेकिन रेडान गैस हमारी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वो हमारे भूकंप के समय ही उत्पन्न होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारी हीलियम हाइड्रोजन पाए जाते हैं क्योंकि सबसे हल्की है, तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें आती हैं हमारे CO2 गैस पर पड़ती हैं, इस कारण कि हमारे मौसम होता है उसे गर्म कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली पहली लगाने वाली संस्था कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली जो हमारी संस्था है वो हमारा है ए नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही हमारी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की संस्था है। अब यहाँ पर हमारा ये बात होती है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था किसने किया था, आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, आपको कमेंट करके ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण हेतु सर्वोत्तम माना जाता है, तो पर्यावरण हेतु सर्वोत्तम कौन सा माना जाता है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर सौर सेल, ठीक है सौर सेल ये माना जाता है पर्यावरण हेतु सर्वोत्तम। एक क्वेश्चन होता है कि पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक हमारा वृक्ष कौन है, तो होता है जो होता है उसे कहते हैं लिप्टिस, ठीक है लिप्टिस बोलते हैं, यह हमारा होता है सुपेता उसे बोलते हैं लिप्टिस होता है वो होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था, बी नंबर हमारा सही होगा 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 1854 में तैयार किया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो ये हमारा संबंध है फ्रेंड शिक्षा से संबंधित है, ठीक है शिक्षा से संबंधित है। अगला है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण हमारा किससे है, तो फ्रेंड्स ये हमारा है ए नंबर वलित पर्वत। अगर बात करें कि हमारे वो जो वलित पर्वत हैं अर्थात नवीन पर्वत कहे जाते हैं, और ये हमारी एक प्लेट थी जो कि हमारी अफ्रीका से थी, और मतलब अफ्रीका और यहाँ पर हमारी है एशिया, तो इसमें टकरा के आया तो यहाँ पर वलित पड़ गया था, यही हमारा हिमालय पर्वत बना है। और यहाँ से निकलने वाली नदियाँ होती हैं नवीन नदियाँ होती हैं, लेकिन प्रायद्वीपी भारत में पाई जाने वाली नदियाँ हमारी पुरानी नदियाँ कहलाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है,
मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, जो कि होगा उपभोक्ता संबंधुता, ठीक है, संप्रभुता, उपभोक्ता संप्रभुता इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार हमारा नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा बी नंबर है, समान काम के लिए समान वेतन, ये हमारा आता है नीति निदेशक तत्व में आता है, लेकिन यहाँ पर अदर जितने भी हैं सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में हमारी कितनी है? 6 है, लेकिन पहले हमारी 7 थी, जिसको हम लोगों ने संपत्ति के अधिकार को हटा के बाहर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं अमेरिका से, लेकिन यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि एक वीडियो देखिए और एक वीडियो में इतना ज़्यादा नॉलेज मिल जाए कि अगला आने वाला जो हमारा टेस्ट पेपर हो बिल्कुल से आपको हलवा लगने लगे। तो यहाँ पर चलते हैं, पहला अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद फ्रेंड हमारा है या 19 के फर्स्ट में, ठीक है, 19 के फर्स्ट में। फ्रेंड्स हमारे 19 के फर्स्ट में हमारी कुछ स्वतंत्रता दी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती हैं, यहाँ पर होती है 19 का फर्स्ट होता है का खा गा घा, इसके बाद चा और छा होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता होती है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, मीडिया की स्वतंत्रता होती है 19 के फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर सभा बनाने की भी, संगठन बनाने में, भारत में कहीं घूमने की, व्यापार करने की, रहने की हमारी स्वतंत्रता होती है, हमारी स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में, मतलब 19 के फर्स्ट के इसमें होते हैं, ठीक है, मतलब कई प्रकार के होते हैं 19 के फर्स्ट में, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो एक की स्वतंत्रता हमारी है प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात मीडिया, अर्थात इसे बोलते हैं फोर्थ स्टेट के नाम से भी जानते हैं मीडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग द्वारा कहाँ अश्वेतों के अधिकारों हेतु संघर्ष किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग द्वारा हमारा ये किया गया था, हमारा ए नंबर अमेरिका में, ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका द्वारा, अमेरिका में किया गया था, अश्वेतों के अधिकारों हेतु संघर्ष किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो सर्वाधिक भंडार हमारा कहाँ है? वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला कहाँ पड़ता है? तो ये दक्षिण अमेरिका का जो हमारा ऊपरी चोटी है उसी एंडीज पर्वतमाला में ही है वेनेजुएला, यहीं पर सर्वाधिक हमारे भंडार हैं, ठीक है, लेकिन उत्पादन हमारा सऊदी अरब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा लिए गए निर्णय में पंचायती जो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अब कितने वर्षीय योजना का दृष्टि पत्र तैयार किया गया है? तो फ्रेंड्स ये हमारा तैयार किया गया है ए नंबर 15 वर्षीय, ठीक है, कितना? 15 वर्षीय किया गया है। अब ये नीति आयोग है, तो नीति आयोग के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और यहाँ पर आपको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, जो कि अभी हमारे चेंज हुए थे, तो यहाँ पर बताना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे टॉपिक का है, इस वीडियो का है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस सदन में लगाया जा सकता है? तो ये हमारा लगाया सकता है किसी भी सदन में, अर्थात हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, और इसमें से लोकसभा या राज्यसभा दोनों लगा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़े से इसके डिटेल के बारे में बताते हैं, तो जो हमारे सदन होता है तो सदन के 1/4 सदस्य पहले सिग्नेचर करते हैं और राष्ट्रपति के पास 14 दिन के लिए वो पत्र भेजते हैं, अगर राष्ट्रपति अपना पद से नहीं हटता है तो इसके बाद हमारी ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और लोकसभा से 2/3 अगर पारित हो जाती है फिर भेजा जाता है हमारे राज्यसभा में, अगर 2/3 वहाँ से पारित हो जाता है तो समझो कि महाभियोग की प्रक्रिया लग गई। फ्रेंड्स अभी तक हमारे भारत में किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे रहे क्वेश्चन, साथ में आपके हैं ये आंसर, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम नंबर पे ये हमारी पीडीएफ। आपको फ्रेंड्स ये वीडियो में आपको कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं एक जो टीचर, यहाँ पर कोई यूट्यूबर नहीं है, एक टीचर हैं, तो हम चाहते हैं फ्रेंड्स आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप वीडियो को शेयर करिए और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लाइव क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं और आपको बोर्ड के माध्यम से पूरी का पूरी हमारी क्लास चलेंगी, आप आसानी से अपने घर पर रह के भी, और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि गरीब बच्चों का भी हेल्प हो पाए। यहाँ पर फ्रेंड्स हर चीज़ हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने पर हमारे भारत की जो शिक्षा हो बिल्कुल फ्री हो जाए,
तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हम अपने चैनल को ऊपर तक ले जाएंगे। और ये चैनल आप सभी लोगों का है और अपने चैनल पर आपको भरोसा रखना है फ्रेंड्स। उस दिन तक आपको भरोसा रखना है जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तब आप देखेंगे नहीं इस चैनल से क्या हमको लाभ मिला है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।